आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी बीते दिन पूर्व थाना बिछवा क्षेत्र में अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई थी, जिसमें 100 बीघा से अधिक के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। वहीं आज फिर थाना कुर्रा क्षेत्र में 3 मकानों में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं एक युवती भी इस घटना में झुलस गई। घटना थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सौज की है। यहां पर अज्ञात कारणों के चलते 3 घरों में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान, कपड़े, चारपाई, अनाज, बर्तन और कुछ नकदी भी जलकर राख हो गई है। यह आग पीड़ित प्रकाश पुत्र रामलाल, चेतराम पुत्र मनीराम, भगवान पुत्र रामलाल के घर में लगी है। आग लगने से तीनों ही परिवार का करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं अब पीड़ित परिवार अपना जीवन खुले आसमान के नीचे गुजारने के लिए विवश है। साथ ही ग्राम प्रधान अवधेश यादव ने बताया कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद की जाएगी। वहीं आग लगने की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल को दी गई तो सूचना मिलते ही तत्काल लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। साथ ही आगजनी से पीड़ित परिवारों की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। वहीं इस घटना में एक युवती भी झुलस गई है। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी। विद्यालय की विशेषताएं हैं अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षण कार्य, शांतिपूर्ण, प्रदूषण रहित, सुरक्षित एवं शिक्षा उपयोगी वातावरण, बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के आवागमन हेतु परिवहन सुविधा, खेलकूद एवं योग शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति, लाइब्रेरी की व्यवस्था, विकलांग, निराश्रित एवं मेधावी छात्रों को समुचित सहायता। रजनीश कॉन्वेंट स्कूल नियर दीवानी रोड भोजपुरा मैनपुरी।